क्या है, हमारा हर तरह के काम में चलता है, जैसे कि भूसा मशीन भी चलाता है, रोटर वेटर कल्टीवेटर हर तरह के काम करता है, तो उसमें धूल डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो एयर सर्कुलेशन बेस्ट बना रहे, साथ में अंदर जो कैबिन में बंदा बैठा है उसको हवा बेस्ट क्वालिटी की और सही जाए, धूल डस्ट ना जाए, उसके लिए आपने क्या कैसे फिल्टर्स वगैरह इसके अंदर लगाए? जी ये इसके जो बटन आप देख रहे हैं स्विचेस, ये इसके जो आउट कंट्रोल जैसे ये हो गया, वाइपर वगैरह हो गए इसके, जी लाइट्स वगैरह, इसमें सोनी का सिस्टम दिया हुआ है जी, म्यूजिक सिस्टम आपने सोनी का दिया जी, बिल्कुल। और बाकी जिस सीट पे आप बैठे हो, ये सीटें मैकेनिकल सस्पेंशन वाली सीट है, वेट के हिसाब से एडजस्ट होने। नमस्कार दोस्तों, आज हम उपलब्ध हैं गोल्ड स्टार समाना पंजाब के अंदर, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एसी कैबिन वाले जो है आज हम आपके लिए ट्रैक्टर्स लेके आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात करें, ये जो एसी कैबिन है ये इंडिया में ही बनाए जाते हैं, वो भी गोल्ड स्टार द्वारा, और इनकी इतनी शानदार क्वालिटी है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया यूएसए जैसी कंट्रियों से भी लोग अपने ट्रैक्टर को यहाँ से मॉडिफिकेशन करा के ले जाते हैं। तो जानते हैं आखिर किन क्वालिटियों की वजह से गोल्ड स्टार इतना ज़्यादा नाम कमा रहा है पूरे भारतवर्ष और अदर कंट्रीज़ के अंदर। चलिए मिलते हैं सर से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर, आप? सर अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गोल्ड स्टार समाना को। जी सर, जैसे आप ये एसी कैबिन वगैरह की नई शुरुआत किए हुए हैं, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी डाले हुए हैं, तो इसमें किसानों का सबसे पहले मैं फीडबैक जानना चाहूँगा, अभी तक आपने जितनी यूनिट सेल की हुई हैं उसमें किसानों का फीडबैक क्या रहा सर? देखो, किसानों का फीडबैक हम अपने खुद के चैनल के ऊपर भी डालते हैं, कंपनी का ऑफिशियल चैनल भी है गोल्ड स्टार समाना के नाम से, बिल्कुल, तो उस पर हम इसका जो फीडबैक है कस्टमर को प्रॉपर इन फील्ड पहुँचते हैं उसके पास, हमने आपको पता है कि जैसे जब भूसा बनाते हैं तो कितना जो धूल मिट्टी उड़ता है, हम उस वक्त भी पहुंचे हैं जब यहाँ पे गेहूं की कटाई के बाद भूसा बनाने जाते हैं, तब उस वक्त भी हम वहाँ पे मौजूद रहे हैं, कस्टमर को इन फील्ड चलते ट्रैक्टर पे हम मिलके आए हैं जी, तो फीडबैक सारा वहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लेंट की कोई गुंजाइश नहीं है सर। अच्छा सर, इंडिया में एसी कैबिन लाने का आपका उद्देश्य क्या रहा, मतलब ये आइडियाज कैसे आया आपके दिमाग में कि क्यों ना एसी कैबिन भी जो है इंडिया के अंदर आना चाहिए? सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि यूरोपियन टेक्निक से हम एसी कैबिन तैयार करते हैं जी। अच्छा जी। ऐसे एसी कैबिन आपको यूरोप में मिलेंगे, क्योंकि यूरोप में जो खेतीबाड़ी के कंट्रीज है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट की बहुत ही ज़्यादा खेतीबाड़ी, बिल्कुल, वहाँ से ज़्यादा प्रमोट हुआ है कि वहाँ हम वही तकनीक इंडिया में लेके आए हैं, तो इसका इस हद तक प्रभाव है कि जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में सूरज कितना सेक मारता है ना, ट्रैक्टर से भी कितना सेक निकलता है जी, तो जो आजकल के नए जो युवा पीढ़ी है वो किसी न किसी वजह से खेतीबाड़ी की तरफ मुंह नहीं कर रही है, उससे दूर जा रही है, उसको मुख्य रखते हुए कि हम मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने एसी कैबिन जो इंडिया में हमने मैन्युफैक्चर करने का सोचा है। अच्छा सर, एसी कैबिन लगाना एक अलग बात है, लेकिन जब हमारे फार्मर भाई ट्रैक्टर को क्या है विभिन्न जगह पे चलाते हैं, कीचड़ पे चलाते हैं, रोड में चलाते हैं, ऊंचे नीचे रास्तों पे चलाते हैं, तो उस समय ये एसी कैबिन नहीं टूटेगा या नहीं निकलेगा, उसकी क्या गारंटी वारंटी? गारंटी सर ऐसा है, देखो जो चार नटों की जैसे कि बोल्टिंग की हुई है इसकी जी, चार नट बोल्ट हैं जिनके ऊपर ये फिक्स है, बिल्कुल, और रबर लगी हुई है उसके नीचे, वाइब्रेशन भी नहीं होगी, और जैसे कि आप बोल रहे हो कि टूटेगा नहीं, तो अगर हम किसी चीज से हिट करते हैं इसको तो इसका टूटना लाजमी है जी, अदरवाइज ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका जो फ्रंट ग्लास है हमने यूज़ किया है, ये गोल्ड स्टार का देख रहे हैं, ये ग्लास हमने लेमिनेशन जो लेमिनेटेड ग्लास गाड़ियों में आता है जी जी, कि अगर इसके यहाँ पे पत्थर लगाए तो यहाँ पे इतना ही इस पे क्रैक आएगा थोड़ा, ये ऐसे नहीं है सारा शीशा, मतलब ऐसा जैसे कारों के अंदर कांच क्वालिटी यूज की जाती है वही है वही, और जो साइड ग्लास है इसके ये टफन टिंटेड यूज किए हैं, ये टफन के ग्लास हैं, बिल्कुल जी। अच्छा सर, एसी कैबिन तो आपने बना दिया, अब इससे हवा अंदर या बाहर नहीं जाएगी, उसके लिए आपने क्या? इसमें सर कंप्रेशर लगा हुआ है, हम आपको दिखा भी देते हैं इसको जी, ऊपर उठाइए थोड़ा, ये देखिए जी, ये दूसरी तरफ लगाओ इसका, ये है दोस्तों महिंद्रा का 655 जो कि 65 HP का इसका कंप्रेसर इस साइड आता है, ये देखिए इसका कंप्रेशर है, ये इसमें हमने कंप्रेशर 508 यूज़ किया है, बहुत ही ठंडा गाड़ियों में यही कंप्रेशर यूज़ होता है। अच्छा जी, बहुत अच्छा कूलिंग देता है अंदर का, कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, ट्रैक्टर जो होता है हमारा हर तरह के काम में चलता है, जैसे कि भूसा मशीन भी चलाता है, रोटर वेटर कल्टीवेटर हर तरह के काम करता है, तो उसमें धूल डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो एयर सर्कुलेशन बेस्ट बना रहे, साथ में अंदर जो कैबिन में बंदा बैठा है उसको हवा बेस्ट क्वालिटी की और सही जाए, धूल डस्ट आ जाए, उसके लिए आपने क्या कैसे फिल्टर्स वगैरह इसके अंदर लगाए? फिल्टर्स तो आप देख सकते हो कि इसके साइड पे फिल्टर दिए, इनको साफ कर सकते हो आप जी,
को टाइम टाइम के रहते, बाकी इसकी कंडेंसर कॉइल इसके ऊपर दी गई है हमने। अच्छा। और यहाँ पे इसका डीजल टैंक एक्स्ट्रा दिया गया है, बीच में कैबिन की, कैबिन के साथ ही ये हम साथ ही दे रहे हैं, 80-85 लीटर इसकी कैपेसिटी है जी। अच्छा, जो इसका फ्यूल टैंक है वो तो लगा ही, वो लगा ही है साथ में जी, 150 लीटर की कैपेसिटी बन जाती है दोनों की। अच्छा अच्छा, तो आपने एडिशनल फ्यूल टैंक की भी कैपेसिटी इसके अंदर दी हुई है। जी हाँ। अच्छा, एसी, बिल्कुल सर, एसी केबिन में जैसे अपन अंदर जाते हैं जी जी, तो यहाँ पर स्पेस वगैरह कैसा आपने मेंटेन करके रखा हुआ है? देखो स्पेस पीछे देखोगे आप, पीछे बहुत अच्छा स्पेस है जी इसके जी, तो जैसे पैसेंजर वगैरह इसके अंदर आके यहाँ बैठना चाहे दोस्तों तो वो बैठ सकता, बैठ है सकता। तो यहाँ सीट वगैरह भी जो है लेदर वाली आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आप नामी कंपनियां देखोगे जी, क्योंकि वहाँ पे वो ना सिर्फ ड्राइवर की सीट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, साथ में बैठने वाले के, लेकिन हमने ये प्रोवाइड किया। और इसमें आपने कंप्रेस, यहाँ पे आप चार्जिंग यूनिट देख सकते हो, इसके चार्जिंग यूनिट दिया हुआ है मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए जी जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल चार्जिंग की कनेक्टिविटी है। साथ ही साथ सर आप थोड़ा सा अंदर आके जो इसमें विनोवर वगैरह लगे हुए हैं और कूलिंग सिस्टम के लिए आपने जो एसी वेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं उसके बारे भी में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, तो हम बेहतर तरीके से अपने व्यूअर्स को जो है समझा पाएंगे। तो दोस्तों मैं जो है ले लेता हूँ कैमरा और तो सर ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका कंट्रोल पैनल है, एसी कंट्रोल हो गई यहाँ से जी जी। ये इसके जो बटन आप देख रहे हैं स्विचेस, ये इसके जो आउट कंट्रोल, जैसे ये हो गया वाइपर वगैरह हो गए इसके जी जी, लाइट्स वगैरह। इसमें सोनी का सिस्टम दिया हुआ है जी, म्यूजिक सिस्टम आपने सोनी का दिया जी, बिल्कुल। और बाकी जिस सीट पे आप बैठे हो, ये सीटें मैकेनिकल सस्पेंशन वाली सीट है, वेट के हिसाब से एडजस्ट होने वाली सीट है ये, बहुत बढ़िया, मतलब एयर सस्पेंशन सीट है सर। नहीं, एयर सस्पेंशन के बाद जो होती है वो मैकेनिकल सस्पेंशन आती है, मैकेनिकल सस्पेंशन है। और बाकी बॉटल होल्डर वगैरह, पानी वगैरह रखना कुछ उसके लिए, काफी फैसिलिटीज काफी हैं जिसमें जी। और दोस्तों आप इसके अंदर स्पेस देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस मेंटेन करके रखा है। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें 360 व्यूज आपको मिलने वाला है, आप 360 डिग्री के एंगल में इससे चारों तरफ की चीजें जो है देख सकते हैं। और जब जैसा आपको गर्मी वगैरह भी लगती है तो इसका जो ये गेट है पीछे वाला, जो ये भी जो है आप बूट इसका खोल सकते हैं और पीछे से एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ पीछे की तरफ भी जो है आपको इसमें वाइपर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। और म्यूजिक सिस्टम सोनी वगैरह का सरना जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। इसमें चार वेंट तो आपको यहाँ पे मिलेंगे जी जी, ये देख सकते हैं एसी इवेंट सर। हाँ जी, एसी इवेंट्स दोस्तों आप देख सकते हैं, चार इवेंट्स जो है सामने की तरफ मिल जाते हैं, क्योंकि और बैक पे भी काफी गर्मी आ जाती है चलाते वक्त। एसी इवेंट्स जो है इसके पीछे दिए हुए हैं, साथ ही एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर जो है फिल्टर्स वगैरह का भी यूज किया गया। तो दोस्तों अभी हमने जो है आपको दिखाए एसी केबिन और साथ में एसी केबिन फिटेड ट्रैक्टर। अब हम बात करने वाले हैं कि एसी केबिन के कितने प्रकार के वेरिएंट आते हैं, साथ ही साथ उनकी कीमत, ऑफर और साथ में उनकी क्वालिटीज़ वगैरह, गारंटी वारंटी वगैरह क्या चीज़ें हैं। तो सर सबसे पहले तो अपने मॉडल्स बता दीजिए सर। ये देखिए, ये सर स्मार्ट प्लस मॉडल है जी, इसमें आपको हीटर जी और जैसे कि जो एसी का यूनिट होता है, बिल्कुल ये सब कुछ मिलेगा आपको। 3,38,000 का ये टोटल इसका कीमत है, ठीक और है। 40,000 इसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 40,000 ही डिस्काउंट वो वाला है, जैसे कोई ट्रैक्टर 23 मॉडल, 22 मॉडल, 21 मॉडल, इसके मड गार्ड की कंडीशन अच्छी हो, जॉन डियर और अर्जुन की जी जी, तो वो हम बीच में काट लेते हैं, तो अच्छा। वो 40,000 वाला ऑफर है। ये वाला ऑफर ये निकल चुका है, ये 15 सितंबर को ख़त्म हो गया ये वाला जी जी। तो ये अभी 287 का था तब केबिन, अब 2,00,000 मान के चलो आपको 98,000 के करीब, 3,00,000 के करीब ये आपको टॉप मॉडल पड़ेगा, बिल्कुल सर। उसके बाद ये स्मार्ट मॉडल है, इसमें सिर्फ हीटर नहीं है, ये 10,000 कम हो गया उससे जी। और ये जो है अपना सेकंड मॉडल हो गया, सेकंड मॉडल ये 2,90,000 का, और ये हमारा बिल्कुल जो क्लासिक मॉडल है जी, 1,99,000 इसकी कीमत है, 11,000 ये ऑफर इसका खत्म हो गया है, 2,10,000 में ये केबिन आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें कूल्ड और एसी, मतलब एसी हीटर दोनों, इसमें हीटर नहीं है, बस को इसमें कूल्ड वैसे, हाँ वो सिर्फ हीटर स्मार्ट प्लस मॉडल में है। अच्छा अच्छा, और इसमें बाकी एक्सेसरीज का जैसे कि मैट का फर्क है जी, और इसका जो इंटीरियर का फर्क है, जैसे जैसे हम डिजाइन चेंज करते रहे बस वैसा वैसा इसमें फर्क है जी। अच्छा सर, गारंटी वारंटी की यदि अपन बात करें तो क्या कैसी गारंटी वारंटी इसका, मान के चलो सीजनल वारंटी है 6 महीने की जी जी। और सर जैसे ये बम्फर लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में ट्रैक्टर में जो भी सोनालिका, महिंद्रा, जॉन डियर जैसे कंपनियों के अंदर जो हिच, डावर पट्टी, टापलिंग, लिंकिंग पॉइंट,
और यहाँ तक कि जो फ्रंट वेट लगता है वो सिर्फ इंडिया की एकमात्र लीडिंग कंपनी गोल्ड स्टार बनाती है। तो सबसे पहले तो सर फ्रंट बम्पर वगैरह की बात कर लेते हैं, तो क्या कैसी क्वालिटीज है सर इनमें? ये देखिए सर, ये लेजर कटिंग के द्वारा तैयार किया गया है जी। इसका पहले इसको साउंड ब्लास्ट करते हैं, टाटा स्टील का मटेरियल यूज हुआ है इसमें, साउंड ब्लास्ट करके उतार देते हैं इस पे जो भी दाग वगैरह लगे होते हैं जी। उसके बाद इसको पाउडर कोटिंग करके इसके ऊपर भट्टी पेंट किया जाता है, जो भट्टी में इसका रंग पकाया जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी की यदि हम बात करें दोस्तों इनके बम्पर के अंदर, तो इनके बम्पर में ना आपको कहीं भी सिंगल ज्वाइंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना, मतलब विदाउट ज्वाइंट रहते हैं। एक बार में पूरी चादर काट के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिंगल बम्पर निकाला जाता है। अच्छा सर, और क्या क्या चीजें जो है अपने ये मिल जाती है? हिच हुक है, 4 इंच माउथ में, 5 इंच माउथ में, वजन के हिसाब से जी जी आपको ये भी मिल जाएंगी जी। ये भी हमारी जो टाटा स्टील के ही जरिए यूज किया, पाउडर कोट करके पेंट किया गया इसको अच्छी क्वालिटी से जी। तो दोस्तों आज जो है हमने आपको दिखाई गोल्ड स्टार मॉडिफिकेशन कंपनी की तरफ से आने वाले काफी सारे एसी केबिन, साथ में मॉडिफिकेशन के टूल, ऐसे सीरीज वगैरह। यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चल रहे नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।